हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। अभी फैन चल रहा है पास में, पता नहीं आवाज आप लोग क्लियर आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही तो मैं फिर बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी, पर फैन बंद नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो आज है दिन सोमवार और नहा धोकर मैं रेडी हूँ, अभी जाना है मुझे। तो सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई थी, वही होता है, सोमवार संडे के बाद मंडे आता है तो समझ लीजिए कितना काम होता है, जाना होता है, ये वो सब कुछ करना होता है। बस नहा धोकर सब कुछ काम वगैरह करके रेडी हो चुकी हूँ। खाना आज नहीं बनाया था, नाश्ता बनाया था। खाना में आज सारी तैयारी मैंने कर दी है, माँ ने बोला कि तैयारी कर दो, मैं आके बना दूंगी। तो मैंने ठीक है, मैंने दाल बना दिया है, सब्जी की तैयारी कर दी है, चावल भी धो धा कर अच्छे से रख दिया है, तो माँ आकर फटाफट बना देंगी और मैं नहा धोकर रेडी हूँ। तो अब थोड़ी देर में ही निकलूंगी। और मशीन लगा हुआ है, मतलब वॉशिंग मशीन मैंने गलती से थोड़ा लेट लगाया, जिसके कारण अभी 10 मिनट है तो वो हो जाए, तो कपड़े वगैरह डालकर ही निकलूंगी। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ बैठी थी, और कल मैं गई थी शॉपिंग करने, तो आप लोगों ने देखा ये वीडियो भी एडिट नहीं हुआ है, आज करूंगी, तो वीडियो रखी हुई है। ठीक है, ये जब तक जाएगा आप लोग शायद वो वीडियो देख चुके होंगे। तो कल गई थी शॉपिंग करने, दुर्गा पूजा का थोड़ा बहुत, मायके गई थी तभी किया था थोड़ा बहुत बच्चों के लिए, और कल गई थी मेरे लिए करने, तो वही है। पहले तो सोचा था ऑनलाइन करूंगी, पर ऑनलाइन ऑर्डर भी किया था, पर जो कपड़े मैंने ऑर्डर किया था वो लोग दे नहीं पाए, सप्लाई नहीं किया, और इन टाइम पे उन्होंने कैंसिल कर दिया, बोला कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। तो वही है, फिर से मुझे दुकान में ही जाकर मुझे खरीदना पड़ा। तो ये देखिए सारे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, पर अभी दिखाऊंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि दुर्गा पूजा में पहनेंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा, कि दिखा दूंगी तो थोड़ा सा क्रेज कम हो जाएगा, इसलिए तो अब दुर्गा पूजा में ही देखिएगा। और बहुत कुछ खास कपड़े मैंने नहीं खरीदे, बच्चों के लिए एक कुछ साथ ये सब खरीदा है, हस्बैंड के लिए एक दो टी शर्ट खरीदे, वो तो ले ही नहीं रहते, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा हो जाएगा। सर बोले नहीं, सबका खरीदा रहेगा तो आपके आपका क्यों नहीं, उनके लिए कर दिया है। माँ पापा को तो पहले हो चुका है, माँ ने एक साड़ी दिया है मुझे, सासू माँ ने एक साड़ी मुझे दिया है, फिर ये कल हस्बैंड की तरफ से लेने गई थी, तो ये सब अच्छा हुआ है। और बस बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा ये सब नहीं लिया है मैंने, फिर दुर्गा पूजा है, गर्मी भी बहुत है, और यही है। तो बस पूजा में एक बार ही कपड़ा आप लोग देखिएगा, और कुछ दिन है, ज्यादा दिन है, ब्लाउज वगैरह करवाना पड़ेगा, फॉल्स ट्रिपल ये है, तो वो सब तो घर में ही हो जाएगा, क्योंकि तो पापा ही करते हैं फॉल्स वगैरह लगाना, माँ लगा देती हैं, और ब्लाउज जो है पापा कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, और अबीर को भी लेकर जाऊंगी, उसका वेडनेसडे से एग्जाम है, तो 2 दिन अभी छुट्टी है, तो घर में ही है, तो अभी मम्मी पापा तो है नहीं, तो उसको भी साथ लेकर जाऊंगी, फिर माँ पापा उधर से आएंगे तो उनको ले अबीर को लेकर आ जाएंगे। देखती हूँ मशीन कितनी देर है, उसी के लिए रुकी हुई, नहीं तो मैं निकल जाती। अभी भी 10 मिनट दिखा रहा है, अभी हो चुका है, धोना हो चुका है, सूख रहा है कपड़े, थोड़ा सा और 1-2 मिनट हो जाए इसको मैं निकाल दूंगी, पूरा सुखाने की जरूरत नहीं है। और गर्मी हमारे यहाँ पूछिए मत, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है नहाने के बाद भी, मतलब नहाना सा फील नहीं हो रहा है, गर्मी पसीने हो रहे हैं। मैंने तो फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ थोड़ा सा पाउडर लगा लिया है, कुछ भी नहीं, ना मॉइस्चराइजर ना सनस्क्रीन, कुछ भी नहीं, इतनी स्वेटिंग हो रही थी इसलिए, और थोड़ा सा ये लिप बाम लगाया है और सिंदूर बिंदी, बस कुछ नहीं। तो बस खबर अभी जल्दी रेडी हो जाओ, निकलेंगे। वो ठीक है, मैं अब निकलती हूँ, थोड़ी देर 5 मिनट के कपड़े वगैरह डाल दूँ, उसके बाद निकलूंगी। बहुत धूप है, बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं टोटो मिलेगा कि नहीं। मिले बेटा, है कोई? बोलो आ रहा है इधर से, जाएगा तब ना। कुछ जाकर हुई हूँ फ्री। दोपहर में तेज धूप देखी है, इसलिए मैं पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रही हूँ, धूप देखी, मतलब हद वाली गर्मी है आज। कल से वेदर दिखा रहा है कि आज थोड़ा सा ठंडा होगा। हस्बैंड गए हैं बैंक ब्रांच, बस सब आएंगे तो फिर हम लोग अब घर जाएंगे खाना खाने के लिए, ठीक है। तो क्या बोलूँ, और कुछ नहीं बोलने के लिए, बैठी हुई हूँ अभी, जस्ट कस्टमर सभी गए हैं, अभी थोड़ा सा खाली हुए तो मैंने सोचा थोड़ा सा ही ब्लॉग बना लूँ, नहीं तो फिर ब्लॉग बनेगा ही नहीं, फिर मेरे कम से कम 8 मिनट की 10 मिनट की भी वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ, ठीक है।
तो ठीक है, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मेरा चून कैसे हो गया है? अरे बाप रे। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, दोपहर हो चुकी है तो खाना खाने के लिए। और उसके बाद जो है फिर घर आई, खाना वाना खाया, फिर मैं गई, फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बना था, तो उसके बाद डायरेक्ट अब ये रात का वीडियो है। तो यहाँ भी आने के बाद जल्दी जल्दी फ्रेश होकर मैंने खाना बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए पराठे बन चुके हैं, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा भुजिया बना है, खेक्सा और आलू की भुजिया। तो खाना कंप्लीट बन चुका है, और अभी जस्ट मैंने मुंह धोया है पानी से, तो बस गर्मी बहुत लग रही है। तो हेलो मिलते हैं। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज दिन है मंगलवार और सुबह का टाइम है, और मैं अभी किचन में हूँ और अब खाना बना रही हूँ। और मेरे शक्ल पर मत जाइएगा कि सुबह उठ के मैंने पूरे सिर में तेल बना लगा लिया है, चंपू चंपू सा लग रहा है, चंपा गली लग रही है एकदम। ये देखिए शैम्पू करूंगी इसलिए, तो खाना बना रही हूँ, जाना है डेली की तरह ही। तो थोड़े बहुत काम हो चुके हैं, थोड़े बहुत काम होना है, तो खाना बन चुका है, नाश्ता पानी सबका हो चुका है, सब माँ पापा लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं। अबीर अभी पढ़ रहा है उस घर में, तो कल से उसका एग्जाम स्टार्ट है, तो वहां देखिए पढ़ रहा है, और उसे फिर मैं लेके जाऊंगी अपने साथ, क्योंकि माँ पापा जब आएंगे तो फिर आते समय उनको उसे लेकर आएंगे, तो अकेला घर में छोड़ के नहीं जा सकती। स्कूल रहता है तो ताला बंद करके चली जाती हूँ। तो खाना बन चुका है, ये देखिए कलर तो बहुत अच्छा आया है, आलू और पपीता की सब्जी है, और चावल नहीं बनाया, चावल को सिर्फ धोकर इसमें डाल दिया है। माँ ने बोला है कि सब्जी बना देना, चावल मैं आकर बनाऊंगी, तब चावल गर्म रहेगा। तो सब्जी अभी जस्ट बनी है, गैस मैंने बंद किया है, फोन को लेकर ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो गैस वगैरह भी साफ करूंगी और ठंडा हो जाए इसलिए। नाश्ता मैंने नहीं किया है, सबने नाश्ता कर लिया, मैंने नहीं किया है, मैं करूंगी, फिर झाड़ू पोछा ये सब होगा, और फिर नहा धोकर रेडी होकर मैं जाऊंगी। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में नाश्ता करके आप लोगों से। फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, बालों में कंघी नहीं किया है, क्रीम पाउडर सिंदूर बिंदी जो होता है कर लिया है, और बालों में भी कंघी नहीं करूंगी क्योंकि बहुत गीले हैं, पानी टपक रहा है। तो बस सब चलते हैं, रेडी हो जाओ, वो रेड वाला टी शर्ट पहन लो, पहन लो। गर्ल्स को जिससे आज गए कैसे थे जाएंगे? अभी वही। सिंह एक आ रहा है टोटो, दूर में देखते हैं वो जाए कि नहीं। 2 दिन पार हो गए, बस कोई फुल था, कोई रॉन्ग साइड जा रहा है, हमारे साइड नहीं जा रहा था, इसलिए देख रहे हैं। कतो आ रहा है, खाली है। तो मैं अपने सेंटर आई थी, और अब जो है जाने का भी टाइम हो चुका था, वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम लोग बिजी हो गए थे, बहुत सारे कस्टमर आ गए थे, तो टाइम ही नहीं मिला मैं वीडियो ऑन करूं, सोचती रह गई हाँ करूंगी करूंगी। तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी जस्ट जाने वाले थे, सब कुछ बंद कर दिया था, तब तक फिर से एक कस्टमर आ गए, उन्होंने बोला नहीं कर दीजिए। तो ये देखिए, तो फिर से हमें लॉगिन करना पड़ रहा है, और फिर से कस्टमर का जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे तो 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे, तो इसको कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अब घर के लिए निकले थे, तो वही है, दोपहर हो चुका है, खाना खाने घर जा रहे हैं। और ये फायदा है कि घर हमारे बहुत पास में ही है, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। तो अभी हो चुका है, रात ही बोल सकते हैं, शाम से ज्यादा टाइम हो रहा है, रात ही हो चुका है। तो मैं अब आ चुकी हूँ घर, और मैं अभी घर में कोई नहीं है, मैं और अभी ही हूँ। तो कारण क्या है कि अचानक से हमारे घर में एक पे एक बत्ती आ रही है, पता नहीं कहाँ से, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक था, पर पता नहीं एक पर एक फिर से हमारे घर में किस विपत्ति आ रही है। बहुत बड़ी नहीं है, छोटी मोटी ही है, पर होता है, छोटा हो विपत्ति हो बड़ा हो, पर बड़ा टेंशन लगा रहता है। क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले, मैंने 2 3 दिन पहले के ब्लॉग में आपको बताया था कि पापा के पैरों में एक घाव सा हो गया है, तो उसका छोटा सा सर्जरी हुआ है। तो वो अभी हुआ ही था कि उसके नेक्स्ट डे ही जो बड़े वाले चाचा जी हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही था कि हाँ तब तबीयत खराब है ये था,
कि हाँ तबीयत खराब है। तो उसके बाद फिर से अचानक से क्या हुआ कि कुछ टेस्ट वगैरह हुए, तो आज सुबह से सलाइन भी उनको चढ़ा था, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था, तो रिपोर्ट में आया कि उनकी जो ब्लड है बहुत कम हो गया है, तो अजीब सा मतलब वीकनेस फील हो रहा है, अजीब ही लग रहा है। तो डर के मारे फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, तो उन्होंने बोला कि नहीं इमरजेंसी में जल्दी आप उनको एडमिट कीजिए। तो अभी शाम में सब चाचा जी को लेकर गए हैं, साथ में छोटे चाचा जी गए हैं, पापा गए हैं, माँ गए हैं, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और ब्लड वगैरह लगेगा तो वहीं हॉस्पिटल से दिया जा रहा है। और अभी मैंने जस्ट फोन किया था तो बोले ठीक है अभी प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं क्या है। बहुत डर वाली की बात नहीं है, ऐसे ही है, पर होता है घर में ऐसे ही टेंशन एक तो लगा रहता है। सभी गए हैं और उसके बाद फिर उसके बाद जस्ट थोड़ी देर के बाद ये खबर आता है कि जो मेरे देवर जी हैं उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ है, मतलब छोटा सा मामूली सा, मतलब सामने से कोई बाइक आकर उनके बाइक में मार दिया है धक्का। तो जो मेरे देवर जी हैं उनके बड़ा बेटा वो दोनों साथ में थे तो वो दोनों गिर गए हैं, तो उन लोगों को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ गाड़ी में थोड़ा सा नुकसान हो गया है, तो अच्छा है कि भगवान की कृपा है। तो बस ये सब एक पर एक विपत्ति पता नहीं क्यों आ रही है, तो इसीलिए आज सबका थोड़ा सा मूड भी ऑफ है। बस मैं और बाहर मौसम भी खराब हो चुका है, बारिश हो रही है, तो इसीलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।